दोस्तों पिछले कुछ लेसन के अंदर आप लोगों ने अडोबी फ़ोटोशॉप में डिफरेंट टूल्स की मदद से पिक्चर्स को एडिट करना सीखा हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टूल्स की मदद से किस तरह हम फोटोग्राफ्स को रीटच और एडिट कर सकते हैं अच्छा अब आप लोगों को मैं जो टेक्निक बताने लगा हूँ वो फोटोशॉप के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की टेक्निक है इसको कहते हैं जी लेयर मास्क दोस्तों मास्क का मतलब क्या होता है मास्क का मतलब है निकाब जी हाँ फोटोशॉप के अंदर हम अपनी किसी भी लेयर को निकाब चढ़ा सकते हैं दोस्तों लेयर मास्क लगाने का फायदा हमें यह होता है कि वैसे तो हम जब इरेजर टूल वगैरह की मदद मतलब से कोई भी विजुअल इरेज करते हैं तो वो हमेशा के लिए इरेज हो जाता है यानी कि डिलीट हो जाता है लेकिन जब हम लेयर मास्क लगाते हैं किसी भी लेयर को तो उसमें जिस पोर्शन को हम इरेज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास सेव रहता है दोस्तों ये आप अपने सामने स्क्रीन पे एक विजुअल देख सकते हैं ये एक नौजवान की तस्वीर है जिसके पीछे आपको एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है बैकग्राउंड के अंदर आपको कुछ तारे नज़र आ रही हैं अच्छा दोस्तों ये बैकग्राउंड जो है अगर हम इसको इरेज करना चाहें और इस नौजवान के पीछे कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहें तो उसके लिए डेफिनेटली हमें उस बैकग्राउंड को रिमूव तो करना होगा लेकिन अगर हम इसके ऊपर लेयर मास्क लगाएं तो ना सिर्फ ये बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा इरेज हो जाएगा बल्कि ये हमारे पास महफूज भी रहेगा और हम किसी भी वक्त इसको दोबारा वापस लेकर आ सकते हैं तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और सीखते हैं लेयर मास्क अच्छा दोस्तों ये देखिए आपके सामने विजुअल जो है ये मौजूद है और ये लेयर है जिसको मैंने नाम दिया है बॉय इमेज का अच्छा अब हमने करना ये है कि हमने इस लेयर के ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करना है और उसकी मदद मतलब से हमने ये जो पीछे नेट वाला बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसको इरेज करना है लेकिन इस तरह से इरेज करना है कि ये हमारे पास महफूज रहे तो चलो चलते हैं लेयर मास्क अप्लाई करते हैं दोस्तों लेयर मास्क अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले ब्रश में जाएंगे ब्रश में जाने के बाद आप दूसरा काम ये करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो आपकी कलर पैलेट्स हैं यानी कि फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इसका आपने ध्यान रखना है कि ये जो फोरग्राउंड कलर है ये ब्लैक होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर जो है ये आपका वाइट होना चाहिए अगर यहाँ पे फोरग्राउंड पे या बैकग्राउंड पे कोई और कलर्स हुए तो दोस्तों आपकी मास्किंग जो है वो ठीक तरह से अप्लाई नहीं हो सकेगी लिहाजा आपने ये शोर करने के बाद अब आपने यहाँ पे आना है अपने लेयर पैनल के ऊपर दोस्तों लेयर पैनल पे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है जी एड लेयर मास्क एड लेयर मास्क पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारी लेयर के साथ एक नया आइकॉन बना हुआ नजर आ गया दोस्तों बेसिकली ये वाली जो इमेज है ये हमारा लेयर है और ये जो वाइट कलर का नया आइकॉन आपको नजर आया है ये अब वो मास्क है जिसको हम अभी इस इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो चलें ऊपर ब्लैक इमेज ब्लैक कलर रखते हैं नीचे वाइट कलर रखते हैं और ब्रश के साथ हम मास्किंग शुरू करते हैं दोस्तों हम मास्किंग स्टार्ट करने से पहले कोशिश करेंगे कि ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लें ताकि जो विजुअल हम इरेज करें वो थोड़ा स्मूथ तरीके से इरेज हो अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे हम जाके ब्रश पैनल में सॉफ्ट वाला ब्रश जो है उसको हम चूज़ करेंगे और यहाँ से हम ब्रश जो है वो हल्का हल्का यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे ब्रश यहाँ पे अप्लाई होता जा रहा है बैकग्राउंड जो है ये यहाँ से इरेज होना शुरू हो गई है और इस तरह से हम बाजुकात इस टेक्निक की मदद से अपनी लेआउट्स में बहुत खूबसूरत इफेक्ट भी क्रिएट किया करते हैं कि हम सॉफ़्ट ब्रश को लेके यहाँ से जो है ये इरेज़ करना शुरू करते हैं और ये बहुत लाइट लाइट कहीं से जो है वो इरेज़ हमारा बैकग्राउंड जो है वो होता है अच्छा इसके अलावा हम इस पूरे बैकग्राउंड को अगर चाहें कि ये पूरे का पूरा जो है वो इरेज़ हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं हम अपनी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से बढ़ा देते हैं और हम इसको जो है वो ब्रश को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं आप लोगों को पता है कि ब्रश को आप बड़ा छोटा कहाँ से कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं ये देखें अभी मैंने ब्रश को बड़ा किया और आ, मैं इसको इरेज़ करूँ तो ये जो मेरा इमेज है ये इरेज होना शुरू हो गया दोस्तों आप अगर एफ प्रेस करके रखेंगे और इस आ, मोड में रहे विजुअल मोड के अंदर रहेंगे जहाँ पे आपका जो विजुअल है वो इजीली आपके सामने होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अच्छा अब ये देखें दोस्तों यहाँ पे ये जो लेयर का एक नया आइकॉन बना था इसके ऊपर ये आपको ब्लैक कलर जो है ये नज़र आ रहा है दोस्तों ये ब्लैक बेसिकली वो वाला एरिया है जो यहाँ से मैंने इरेज किया है और एक्चुअली ये मास्क जो है ये एक अप्लाई हो चुका हुआ है मेरी इस लेयर के ऊपर अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं अगर मैं ये जो हमारे पास फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर है इन दोनों को अगर मैं इन्वर्स कर दूं यानी कि वाइट ऊपर कर दूं और ब्लैक जो है वो नीचे कर दूं तो अब जब मैं ब्रश अप्लाई करूँगा तो ये देखें मेरा जो इमेज मैंने इरेज किया था वो वैसे ही वापस आना शुरू हो गया दोस्तों ये कितनी मज़े की बात है कि आप सिर्फ यहाँ से कलर को आप इन्वर्स करके अपना इमेज जो है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं और उसको आप वापस भी ला सकते हैं इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा अंडू करूं ताकि जो मैंने अभी मास्क अप्लाई किया था वो थोड़ा सा वापस आ जाए जैसे कि ये देखें ये मास्क मेरा काफ़ी हद तक वापस आ गया अब यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन भी है ये जो मास्क वाला आइकॉन है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और यहाँ से डिसेबल लेयर मास्क ये देखें दोस्तों क्रॉस का एक साइन आपको इस आइकॉन के ऊपर नजर आ रहा है यानी कि जो हमारा मास्क हमने अप्लाई किया था वो डिसेबल हो चुका है जैसे ही इसको आप राइट क्लिक करके इनेबल करेंगे तो ये मास्क आपको वापस यहाँ पे दिखाई दे देगा अच्छा इसी तरह से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट लेयर मास्क करेंगे तो ये देखें जो मास्क मैंने अप्लाई किया था ये मास्क गायब हो चुका है अच्छा दोस्तों हम ये वाली जो टेक्निक है वो आगे चल के लेआउट डिज़ाइन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे काफ़ी काम आती है आ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और इमेज आप लोगों के लिए ओपन करने लगाऊँ और आ, मैं आप लोगों को कुछ और मज़े की चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये देखें दोस्तों ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडर्न सा आ, मेरे पास विजुअल है ठीक है जी अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं राइट right क्लिक करके रास्टराइज कर लूँगा क्योंकि ये स्मार्ट लेयर थी तो स्मार्ट लेयर को हमें ब्रश अप्लाई जब करना होता है स्मार्ट लेयर पे तो उसके लिए हमें उसको रास्टराइज़ करना होता है अब मैं बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे एक ग्रेडियंट ले लूँगा आई ड्रॉपर टूल के थ्रू मैं यहाँ से कोई कलर पिक करता हूँ जी ये मैंने ले लिया जी ब्राउन के यहाँ पे जो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स आ रहे हैं ये ग्रे या ब्राउन जो है ये मैंने यहाँ से चूज किया और ये मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ ये मैंने रेडियल ग्रेडियंट रखा हुआ है और ये मैं यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत सा मेरे पास एक बैकग्राउंड जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया अच्छा अब मैं अगर चाहूँ कि इसी कैनवस के ऊपर इसी इमेज को ले मैं एक लेआउट डिजाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस विजुअल के ऊपर अप्लाई करता हूँ जी लेयर मास्क जैसे अभी मैंने आपको वो दूसरे विजुअल पे लेयर मास्क अप्लाई करके दिखाया था अब हम आते हैं ब्रश में यहाँ पे दोस्तों देखें ये जो नीचे एक लाइन से बनी आ रही है ये अक्सर लेआउट्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो हम क्या करेंगे हम हल्का हल्का यहाँ पे ये यह जो पोशन है यहाँ पे हम लेयर मास्क अप्लाई करना शुरू कर देंगे इससे होगा क्या कि हमारा जो विजुअल है जिसको हम लेआउट के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हमारे बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो जाएगा ये देखें ये आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली हमारा जो विजुअल था यहाँ से ये यह पहले आउट के अंदर आ रहा था और अब ये हमारे बैकग्राउंड के अंदर बड़ा स्मूथ तरीके से ये मर्ज हो चुका है अगर इसके अलावा आप यहाँ से ऊपर से भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट के तौर पे इसको करना चाहें तो ये आप ये देखें यहाँ से भी हल्का सा इसको आप मास्क को अप्लाई कर सकते हैं ये देखें ये जो पीछे जंगल का और दरख्तों का वो विजुअल है वो और ज़्यादा इस मास्क की मदद से जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया ये कहीं से लाइट कहीं से डार्क विजुअल जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा अब यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह लगा के लोगो लगा के अपनी कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो लेआउट है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लेयर मास्क कितनी इंटरेस्टिंग टेक्निक है और इसकी मदद से हम अपने इमेज का बैकग्राउंड एरेज भी कर देते हैं और वो स्टिल हमारे पास महफूज भी रहता है और उसको हम किसी भी वक्त अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर अच्छा इसी तरह से हम दो या मल्टीपल इमेजेस को यानी एक से ज़्यादा इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं यानी एक लेयर को नीचे रखें और दूसरे विजुअल को ऊपर रखें दूसरी लेयर के अंदर और ऊपर वाले विजुअल को अगर हम मास्क अप्लाई कर दें तो वो जो दोनों इमेजेस ऊपर नीचे हमारे होंगे लेयर्स में वो आपस में एक दूसरे में मर्ज भी हो सकते हैं तो ये लेयर मास्क की मदद से हम लेआउट के अंदर भी हेल्प ले सकते हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो कि हमें फोटो एडिटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेयर मास्क की जो टेक्निक है इसको सीखने का मजा आया होगा अब आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है